Hello everyone, welcome back. I am Professor Naval Vikram from the Department of Medicine, Metabolic Research Group, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. In continuation of our videos on the occasion of World Obesity Day, we have come with another video where we would be discussing about the medical and surgical management of obesity. To do this, we have an expert with us. I would like to welcome Dr. Ranveer Jadhav. Hello, everyone. Dr. Ranveer Jadhav is an associate professor in the Department of Medicine and Metabolic Research Group, and he's very active in the clinical management and research in the field of obesity and has several projects running. So, Dr. Ranveer, let me straight away go on to the questions. What are the indications or when do we use medicines for the management of obesity? दवाइयों की जरूरत मोटापे के इलाज में कब पड़ती है? Thank you, sir, for a kind introduction. So, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोटापे के लिए, वजन कम करने के लिए comprehensive lifestyle intervention का प्रमुख रोल होता है. तो इन interventions में खान पान में परिवर्तन, फिजिकल एक्टिविटी में वृद्धि और इन्हें प्राप्त करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी का यूज किया जाता है. ऐसे मरीज जिनमें कि इन इंटरवेंशन से वजन कम करने में सफलता नहीं मिली है या वो मरीज जिनका बीएमआई 27 यानी 27 या इससे अधिक है अथवा जिनका बीएमआई 25 या इससे अधिक होने के साथ साथ वो मोटापे से संबंधित बीमारियों जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमियाज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया से ग्रसित हैं और उनमें इन इंटरवेंशन से वजन कम करने में सफलता नहीं मिली है, तो ऐसे मरीजों में दवाई शुरू करने की जरूरत होती है. सो दवाई की जरूरत कब होती है ये हमें पता लगा है, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे देश में मोटापे के इलाज के लिए, खासतौर से मोटापे के इलाज के लिए कौन सी दवाइयां अवेलेबल है? जैसे हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वहां पर कुछ दवाएं उपलब्ध है, लेकिन इंडिया में केवल दो ही अप्रूव्ड दवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें एक ऑर्लिस्टेट है जो कि हमारे जो इंटेस्टाइन से खाने के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, इसको मेनली टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है. दूसरी मेडिसिन लिराग्लूटाइड है जो कि हमारे ब्रेन के सेंटर पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस पे काम करती है और भूख को कम करती है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की रेट को स्लो करती है. इस तरह से ये मेडिसिन टोटल कैलोरी कंजम्पशन है उसको कम करती है और वेट रिडक्शन में हेल्प करती है. लिराग्लूटाइड को डेली सबकुटेनियस इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है. तो ये जो दो ही दवाइयां हैं, जैसा आपने कहा कि विश्व स्तर पर और देशों में कई और दवाइयां नई नई अवेलेबल हैं, मगर हमारे देश में अभी तक वो दवाइयां आई नहीं हैं और ये हमारे पास सिर्फ दो ही दवाइयों का विकल्प है. तो ये जो हमारे पास दवाइयां हैं ये कितनी सक्सेसफुल हुए हैं या कितनी फायदेमंद हैं और क्या इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? सो हमें ये पहले जानना चाहिए कि इफेक्टिव वेट रिडक्शन क्या होता है. तो ये स्टडीज में यह पाया गया है कि यदि कोई मरीज यदि अपना 5% वेट भी यदि कम कर पाता है तो उसके सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट होते हैं. तो इसी संदर्भ में यदि ऑर्लिस्टेट की हम बात करें तो परीक्षणों में यह पाया गया है कि यह एक वर्ष में करीब 9 से 10% वेट रिडक्शन करती है. इसी तरह लिराग्लूटाइड ये एक वर्ष में 8 से 10% तक वेट रिड्यूस करती है. जहां तक साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे अन्य दवाओं की तरह इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे ऑर्ली स्टेट की बात करें तो इसकी वजह से मेनली स्टूल पास करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, स्टूल थोड़ा सा ऑयली हो जाता है और ब्लोटिंग की शिकायत होती है. लिराग्लूटाइड है, इसकी वजह से मेनली समटाइम थोड़ा नोजिया, वॉमिटिंग और इस तरह की कंडीशंस होती है. पर लिराग्लूटाइड से एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स भी होता है क्योंकि कई मरीजों में यह थायराइड के मेडुलरी कार्सिनोमा के रिस्क को बढ़ा देता है. तो ऐसे मरीज जिनमें कि पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है तो उनमें ये दवाई नहीं दी जाती. ये बहुत जरूरी बात आपने बताई है कि
कितना परसेंट वेट कम होता है इन दवाइयों से। और एक चीज मैं यहाँ पे आई थिंक ऐड करना चाहूंगा कि ये दवाइयाँ बाकी दवाइयों की तरह नहीं है कि आपने हफ्ते 10 दिन 1 महीना खाया और छोड़ दिया। ये बिल्कुल बिल्कुल दवाइयाँ आपको लगातार लेते रहना पड़ेगा, तभी जाके इनका फायदा होगा। बिल्कुल डॉक्टर रणवीर, अब हम एक और पहलू की तरफ चलते हैं। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि सर्जरी मोटापे और यहाँ तक कि डायबिटीज के रिवर्सल या डायबिटीज के इलाज के लिए भी आजकल बहुत न्यूज आ रही है या बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि सर्जरी का एक बहुत अहम रोल आ रहा है। तो मोटापे के इलाज के लिए सर्जरी का क्या रोल होता है और ये कितने यूजफुल रहती है? आपने सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आजकल वेट रिडक्शन के संदर्भ में। तो हम सर्जरी के लिए उन पेशेंट को कंसीडर करते हैं जिनका कि बीएमआई इन इंडियन सेटिंग यदि 37.5 या उससे ज्यादा हो, या जिनका कि बीएमआई 32.5 या इससे ज्यादा होने के साथ साथ वो तो मोटापे से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे भी ग्रसित होते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडिया है, एटसेट्रा। इन सर्जरीज को यूज किया जाता है। तो हम जहाँ तक सर्जरीज की बात करें तो सर्जरीज में तीन तरह की सर्जरियाँ अवेलेबल हैं। एक तरह की होती है रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी, दूसरा होता है माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, रेस्ट्रिक्टिव माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। तो रेस्ट्रिक्टिव सर्जरीज में जो हमारा स्टमक है उसमें फूड के अमाउंट की कैपेसिटी कम हो जाती है और उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी स्लो हो जाता है। तो इस तरह की सर्जरी में मेनली जैसे गैस्ट्रिक, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और लैप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग, इस तरह की सर्जरी इसके अंतर्गत आती है। और परीक्षणों में यह पाया गया है कि इस तरह की सर्जरी से 5 वर्ष में 20 से 25% तक वेट रिडक्शन होता है। दूसरा माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी है, उनमें मेनली जैसे बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्जन और बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्जन विद ड्यूडेनल स्विच नामक प्रोसीजर्स आते हैं। तीसरा होता है जो कंबाइंड सर्जरी होती है, उसमें मेनली रो एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी आती है। तो जो इस तरह की जो कंबाइंड सर्जरीज होती हैं उनसे करीब 18 से 20 महीने में 30 से 35% तक वेट रिडक्शन होता है। लेकिन हमको साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अन्य किसी सर्जरीज की तरह इन सर्जरीज के भी साइड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केयरफुली पेशेंट का सिलेक्शन सर्जरी के लिए किया जाता है। तो ये जो जैसा मैं एक बार फिर से थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो सर्जरी होती है एक रेस्ट्रिक्टिव होती है जिसमें पेट का साइज छोटा कर दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल जो मैल अब्सॉर्प्टिव सर्जरी होती है उसमें पेट के साइज के साथ साथ आंतों से भी छेड़ आंतों को भी आंतों के हिस्सों को भी इधर से उधर कर दिया जाता है, जिससे कि आप जो खाते हैं वो न्यूट्रिएंट जो है तो एब्जॉर्ब भी कम होते हैं। बिल्कुल उनका एब्जॉर्प्शन जो भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और इस तरह से वो वेट रिडक्शन में तरह से कारगर वेट होती है। रिडक्शन होता है। यस जैसा आपने ये कहा कि इनके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो ये जी बहुत जरूरी है देखना कि जैसे सर्जरी ही हर चीज का इलाज नहीं है। हाँ, सर्जरी कारगर हो सकती है। अब अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर्जरी के अलावा भी कोई नॉन सर्जिकल तरीके हैं जिनकी वजह जो और प्रोसीजर कुछ हैं जो वेट रिडक्शन या मोटापे के इलाज के लिए इलाज के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? इस तरह की सर्जरी के और मेडिसिन के अलावा भी और तरीके हैं, जैसे जैसे कि गैस्ट्रिक बैलून प्लेसमेंट होता है। इसमें मैंने हमारे स्टोमक में एंडोस्कोप के द्वारा जो बलून है वो प्लेस कर दिया जाता है। ये भी एक तरह से हमारे स्टोमक में फूड के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो ये भी एक तरीका है। और इसमें मैनली जो बलून होता है उसको मैनली 6 महीने तक प्लेस कर सकते हैं मैक्सिमम, इसके बाद में इसको निकालना पड़ता है। लेकिन ये है, ये अप्रूव्ड तरीका है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर यह बहुत कम यूज होता है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर्जरी के संदर्भ में। जैसे कई बार होता है कि सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कुछ साल बाद फिर से वजन बढ़ जाता है, तो क्या ऐसी हालत में दोबारा सर्जरी की जा सकती है? इस
इसका ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सर्जरी कर दी तो उसका ट्रीटमेंट हो गया। सर्जरी के साथ साथ में हमको जो भी कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है, जो हमने शुरू में बात की थी, जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है और बिहेवियरल थेरेपी, उनको भी साथ में अपनाना बहुत जरूरी है। तो वो साथ में अपनाएंगे और फिर सर्जरी का भी इफेक्ट आएगा, तो ही हम इफेक्टिव वेट रिडक्शन कर पाएंगे। तो आपने हमें ये बताया डॉक्टर रणवीर कि क्या क्या तरीके होते हैं। अब जैसे आपके पास कोई मोटापे से पीड़ित कोई मरीज आया जो इलाज चाहता है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस मरीज के लिए कौन सी चीज बेस्ट, कौन सा ट्रीटमेंट मोटापे के लिए बेस्ट होगा, लाइफस्टाइल, दवाइयां या सर्जरी? तो जैसे जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि कोई भी मरीज यदि आता है जिसको कि मोटापा है और मोटापे से साथ में संबंधित बीमारियां हैं, तो जैसे फर्स्ट लाइन जो इंटरवेंशंस हैं वो हमारे मेरे लिए डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, लो कैलोरी डाइट एडवाइस करना है। दूसरा, पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज को उसको प्रमोट करना है जिससे कि वो अपनी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सके। और तीसरा, इन चीजों को एडॉप्ट करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी को अपनाना बहुत जरूरी है। तो यदि मरीज इन तीनों को अपनाता है और उसके बावजूद भी वो इफेक्टिव वेट रिडक्शन, मतलब कम से कम 5% वेट रिडक्शन 3 से 6 महीने में यदि नहीं कर पाता है, तो फिर हमको अगर एडजंक्टिव थेरेपीज के बारे में सोचना होता है। उनमें जैसे हमने बात की थी मेडिसिन की, तो जब हम मेडिसिन के को एडवाइस करते हैं तो हम कई चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे मेडिसिन का एफिकेसी क्या है, यानी तो हम वो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं जो कि मोस्ट एफिकेशियस है, उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या है, मेडिसिन क्या अवेलेबल है या नहीं है, तो जो उपलब्ध मेडिसिन है वही हम उसको सलाह देते हैं। इसके अलावा पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी क्या है, क्या पेशेंट उस मेडिकेशन को अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दवाई है लंबे टाइम तक चलती है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि यदि कोई मरीज कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और हम उसको प्रेस्क्राइब कर दें और पेशेंट सप्ताह 2 सप्ताह लेके बंद कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। सो ये इसके अलावा हम पेशेंट का प्रेफरेंस का भी ध्यान रखते हैं, तो पेशेंट को कौन सा मेडिकेशन पसंद है, जैसे कि यदि कोई टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है या फिर कोई इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, तो हम पेशेंट का प्रेफरेंस भी कंसिडर करते हैं कि वो क्या चाहता है, इंजेक्शन लगवाना चाहता है या गोली लेना लेना चाहता है। तो हम इन सारी चीजों को कंसिडर करके ही पेशेंट को मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। तो जो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन जो हमने पहले बात किया था, जो सर्जरी के लिए जो उपयुक्त होते हैं पेशेंट, उनको हम सर्जरी का एडवाइस करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पेशेंट को इस तरह से, कौन सा इंटरवेंशन, कौन सा थेरेपी उसके लिए सूटेबल है, वो हम एडवाइस करते हैं। तो साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि कोई भी मरीज है वो अपने आप से किसी भी दवाई का वजन कम करने के लिए सिलेक्शन नहीं करेंगे, उसको अपने चिकित्सक या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए कि कौन सी दवाई उसके लिए सूटेबल होगी। तो डॉक्टर इन सारी चीजों की, जिसके कि हमने बात की थी, जैसे साइड इफेक्ट्स है, पेशेंट का कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या है, उसका अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपका जो चिकित्सक है आपके लिए बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट करेगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो डॉक्टर रणवीर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है और दोस्तों, आपने आई एम श्योर इस जानकारी इससे आपको काफी फायदा हुआ होगा। तो कौन सी दवाई किसको कब देनी है या कौन सा प्रोसीजर किस मरीज, मोटापे से ग्रस्त किस मरीज के लिए कौन सा प्रोसीजर या कौन सी सर्जरी ठीक रहेगी, क्योंकि हर एक एक ही ट्रीटमेंट हर एक के लिए सेम नहीं हो सकता है। तो यहां बिल्कुल मैं एक बिल्कुल चीज और कहना चाहूंगा कि मोटापा जो है एक मेनली लाइफस्टाइल डिसीज है, एक कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिसीज है, मगर कुछ दवाइयां हैं, खाली दवाइयां काम नहीं करेंगी जब तक आप लाइफस्टाइल और अपना बिहेवियर, जब अपना बिहेवियर और लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तब तक दवाइयां काम नहीं करेंगी। ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी, आप अक्सर देखते हैं कि लोग क्लेम करते हैं कि कोई दवाई ये है ये लीजिएगा, इससे हम महीने भर में 15 किलो या 20 किलो वजन कम हो जाएगा, तो इस तरह की कोई साइंटिफिकली प्रूवन दवाइयां नहीं है ज्यादा।
मगर ये तो इसीलिए आप कोई भी दवाई या कोई भी और दवाई या कुछ और लेने से पहले जो क्लेम करते हैं कि हम क्विक वेट लॉस करेंगे, अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस दवाई से वजन तो कम हो मगर आपको और कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर रणवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और सर। श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ओबेसिटी या मोटापे से क्या दिक्कतें जुड़ी होती हैं और क्या दिक्कतें अगर आपको साथ में और कोई प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तो उनको उनके साथ साथ उनके इलाज के साथ साथ आप अपने मोटापे को या ओबेसिटी को कैसे काबू में रख सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।